आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में, वेफर्स की रेसिपी, पटाटो चिप्स, जिसको और ओम के या बाजार में जैसे मिलते में से आप घर पर बना सकते हैं और तुरंत बनाकर तुरंत खा सकते हैं। इसको आपको सुखाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप लोगों दिखाएंगे कि किस तरीके से। और दूसरी चीज, सबसे बढ़िया चीज ये बताएंगे कि आपके पास इसके जो मशीन आती है ग्रेटर टाइप में चिप्स बनाने की, वो नहीं भी है तब भी आप चिप्स बना सकते हैं बड़े आसानी से। तो वो कैसे बनाएंगे वो आप लोग हमें आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। हमने पानी लिया है, इसमें हमने शक्कर डाल दी है और नमक डालेंगे। ये देखो नमक डाला, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून नमक। इसमें हम आलू छील कर डाल देंगे, हमारे आलू काले नहीं पड़ेंगे, हल्का सा मीठापन आ जाएगा इसमें। और अगर ये देखिए हमने पिलर लिया है, जो छिलनी होती है वो लिया है। ये हमारे पास 3 टाइप के हैं, आपके पास जौन सा है वो से आप कर सकते हैं। ये देखिए 3 टाइप के हमारे पास पिलर हैं, छिलना ये देखिए। तो हम इनसे ही बनाएंगे चिप्स, आप लोगों बताएंगे कैसे बनाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके से इससे हम चिप्स बनाएंगे। हमारे पास ग्रेटर नहीं है, जो बोलते हैं पटाटो की मशीन नहीं है, और अभी तो मिल भी नहीं रही है। तो हमने आलू छील के इसमें डाल दिए, तो हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी। मैं तो इसको चाकू से भी काट सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को पिलर से दिखाएंगे काट करके। ये हमने पहले आलू छील लेते हैं, उसके बाद में दिखाएंगे किस तरीके से इसको हम चिप्स बनाएंगे। और बहुत ही गजब की रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है, और बेकार हमारे पास मशीन की। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। ये देखिए आलू लिया हमने, तो ये देखिए ये आलू है। ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ये देखिए ऐसे। ये देखिए ऐसे निकालना है, ये देखिए ये, ये देखिए ये इस तरीके से सारे हम निकाल लेंगे, सभी पटाटो के ऐसे ही निकालना है। ये देखिए ये बस ऐसे हम बना लेंगे चिप्स। और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा सा अंतर पड़ेगा टाइम का उससे और इससे, ये देखिए। लेकिन आपको उससे अच्छी चिप्स इससे आप, ये देखिए इस तरीके से सारे हमने निकाल लिए ये चिप्स। अब इसको हम दिखाते हैं क्या करना है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, और थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया इसलिए प्रॉपर नहीं दिखा है उसमें, लेकिन ये देखिए कितनी प्यारी लग रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए वाह, एकदम पतले पतले। और ये देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये देखिए चिप्स ये। अच्छे से इसको धो लेते हैं और स्ट्रेनर में डाल देंगे धोने के बाद। ये देखिए, और ये हमने थोड़ा सा नमक डाला, नमक डाल के मिला के इसको 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। और पहले वाला हमने इसको धो लिया था, फिर दोबारा पानी भरा इसमें हमने धोने के बाद, और ये हमने इसको स्ट्रेन कर लिया 10 मिनट बाद। ये नमक पी जाएगा उसके बाद। ये देखिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, इसका पानी निकल जाएगा, 5-7 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये हमने कपड़ा लिया, कपड़ा पर डाल देंगे इसको हम, और इसको कपड़े पर डालने के बाद इसको अच्छे से हम दबा देंगे तो इसका पूरा पानी निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से कपड़े पर डाला मैंने चिप्स, और इसको हम दबाएंगे दूसरे कपड़े से, आप हम दिखाएंगे। ये देखिए हमने दूसरा कपड़ा इसको लिया और इस तरीके से इसको दबा दिया, तो ये इसकी पूरा पानी सोख लेगा, जितना भी पानी होगा चिप्स का पूरा पानी निकल जाएगा आलू का। तो हमारा आलू उसमें पानी नहीं रहेगा, तो हमारा आलू बड़ा क्रिस्पी होगा और बढ़िया से। के देखिए पूरा पानी सोख लिया उसने कपड़े ने। तो आपके पास जो भी कपड़ा है काटन का साफ सुथरा कपड़ा ले लें। और ये हमारा, ये देखिए अब हमने प्लेट में निकाल लिया। अब इसको हम कर लेते हैं फ्राई। तो
इसको हम करेंगे फ्राई। तो इसको हमें फास्ट ऑयल पे नहीं पकाना है। ये देखिए ऑयल हमारा कितना गर्म है, आप देख सकते हैं। तो फास्ट ऑयल नहीं होने चाहिए, मीडियम ऑयल होने चाहिए हल्का सा, और इसको मीडियम ऑयल में ही पकाना है। ना तर ये क्या होगा, अंदर से क्रिस्पी नहीं होगा आपका, वो लाल पड़ जाएगा लेकिन कड़क नहीं होगा। तो इसको मीडियम ऑयल पे इसको पकाएंगे, करीब करीब इसको पकने में 10 मिनट लगेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से पकने देंगे, इसको एक दो बार चलाते रहेंगे बीच बीच में। ये देखिए बहुत ही प्यारी बन के तैयार होगी। आप बाजार से अच्छी चिप्स और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें हमने पहले ही नमक डाल दिया था। ये देखिए इस तरीके से एक दो बार हम इसको चला देंगे। ये देखिए और ये हमारी चिप्स बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल आप बाजार जैसी चिप्स घर पे ही बना सकते हैं। ये देखिए हमारी चिप्स रेडी हो गई है। आप अगर चाहो तो इसको एक बार बस इस तरीके से निकाल के छोड़ दें बाहर 5-7 मिनट, 5 से 10 मिनट के बाद में एक बार तेल गरम करके और निकाल सकते हैं। तो आपकी चिप्स ये देखिए हमने दोबारा डाली इसको, बस 7 मिनट के बाद में, 10 मिनट बाद हमने इसको दोबारा डाल दी, तो एकदम लाल और क्रिस्पी हो गई है। ये हमारी चिप्स बन के तैयार। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग अपडेट मिल जाएगा। आप लोग लिंक दे दूंगा सेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, एलो ग्रेवी, चॉप मसाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी, जाकर चेक कर लेना। और हमने इसमें वीडियो डाला है पपाया पकाने का, चीकू पकाने का, बनाना पकाने का, ज़रूर देख लेना, बहुत ही गजब का वीडियो है। और ये देखिए पूरी हमारी चिप्स चूरा चूरा हो गई। ये देखिए इस तरीके से इतनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए पूरी। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो हमारे रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। ये देखिए ये